प्रतिष्ठा में आपका स्वागत है। हमारी माता रानी जी और भागा सिर मैया जी और हनुमान जी की प्रतिष्ठा है। बहुत खुश है भाई, भगवान विष्णु हमारे घर में बुला रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़। में प्रियंका राज, नया दिन शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमारे घर में जो फंक्शन है, माता रानी की जो प्रतिष्ठा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो बस अभी हमारे जो गृह देवता है दानी राजा जी, उनका स्वागत होगा और जो हमारे ग्राम देवता है भगवान विष्णु, उनका भी स्वागत होगा। उनका जो रथ है वो गांव वाले सारे लेके आएंगे और यहाँ पर होगा पूजा पाठ और रात को होगी कीर्तन और बस पूजा पाठ चला रहेगा और खान पान। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ब्लॉग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और पहले चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो चलिए, ये मेरे बड़े मामा जी, मेरे छोटे मामा जी और ये पंकु भाई पूरी अपनी ड्यूटी निभाते हुए मामा जी आए हमारे लिए लद्दाख का ट्रिप करके। कैसा था आपका लेह लद्दाख का ट्रिप? सुपर से भी ऊपर। मामा जी आप नहीं गए? हम भी गए। कहाँ? शिंकुला। शिंकुला, शिंकुला पास, शिंकुला पास। आप कहाँ गए? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मम्मी के पास और बातचीत करते हैं। मम्मी जी। हाँ जी, हेलो। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? ठीक ही होगे? आइए, हमारे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा में आपका स्वागत है। हमारी माता रानी जी और भागा सिर मैया जी और हनुमान जी की प्रतिष्ठा है और हमारे प्रभु जी विष्णु भगवान भी हमारे आंगन में पधार रहे हैं और आप सबको भी ब्रह्मभोज के लिए बुला रहे हैं। हम आ जाइए और ब्रह्मभोज कीजिए। और आइए, मैं सबसे पहले आपको मेरी माता रानी स्पेशली ही आज बहुत अच्छा श्रृंगार के, और आप भी देखो कैसा श्रृंगार करती हूँ मैं। चलो हनुमान जी के दर्शन कीजिए साथ में, आइए। चलो जी, मम्मी बोल रहे हैं कि माता रानी के पहले दर्शन करवा देते हैं जिनका मेन फंक्शन है ये। तो ये किया है मम्मी ने माता रानी का श्रृंगार। जय माता दी, जय माता भागा सिर मैया की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए कैसा लगा आपको YouTube फैमिली मेरा माता रानी का श्रृंगार। YouTube फैमिली, मम्मी पूछ रहे हैं बोला माता रानी का श्रृंगार कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आप बताइए जी, गलती हो गई तो माफ करना। मम्मी जी अभी थोड़ी देर में करी कुछ दानी राजा देवता भी आने वाले हैं। हाँ जी, अभी आने वाले हैं। चलो तब आपको मैं दर्शन भी करवा दूंगी। चलो तब तक मैं नीचे चलती हूँ, भैया और मामा जी वगैरह से आपको मिलाती हूँ। A few minutes later. हाँ, ये हमारे गृह देवता हैं दानी राजा जी। जय हो गृह कुश दानी राजा। ये दोस्तों जो आपको दिख रहा है ये सामने, ये बजरंगबली जी के साथ, बजरंगबली जी के साथ बैठे हैं अभी फिलहाल, बैठे एक मिनट के लिए, फिर हमारे विष्णु भगवान जी आएंगे यहाँ पर, फिर हम सब मतलब दानी राजा भी हमारे विष्णु भगवान के साथ ही विराजमान होंगे आंगन में, आंगन में, फिर सारे आंगन में बैठे। दानी राजा के मतलब रथ नहीं होते हैं, इसके हमारे गंडी दौड़ ही होते हैं। हाँ जी, चलो जय श्री कृष्ण। ये YouTube फैमिली, इन सब से भी मिलिए। नमस्ते जी। नमस्ते। ये देखिए हमारी तीन दुल्हन बने, ये मतलब पूरा अपना जो 16 सिंगार किया है, क्योंकि अब बस थोड़ी ही देर में ये जो एक रस्म है पानी निंदरना, तो उसके लिए रेडी हुए हैं। तो इनके लिए ये है कि मतलब आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस दूध और फल फ्रूट, दूध फल फ्रूट सुबह से नहाए और ये ना अंदर गए हैं, बस सुबह से बस यहाँ मंदिर में बैठे हैं, है ना? कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग?
एक दूसरे को बोल लेंगे क्या बोलना, देख ले है ना, अब बस थोड़ी देर में जो होगा वो, हाँ वो जो रस्म होगी वो देखेंगे, होगी तो लाइव देखेंगे। हाँ जी बुजी, आप नहीं बोलेंगे कुछ? बहुत खुश है भाई, भगवान विष्णु। हाँ ये मौका देखिए हम सब खान, हाँ ये सही बोल रहे हैं, ये कौन है बच्चा, आप क्या बोल रहे थे? ये मौका किसी किस को मिलता किस्मत वाले, हाँ कि भगवान का कार्य में मतलब ऐसे हिस्सेदारी लेने का, सब लोग अच्छे, हाँ सब लोग अच्छे ढंग से। ओ ये बच्चा, ओहो बजाओ फिर से अनाया, ये देखो एक ढोलकी, ये देखो बच्चे ना जैसे मतलब बड़ों को देख देख के अपना ये सारी चीजें देख सीखते हैं, पर अच्छी भी बात है कि अपना जो पुराना कल्चर अपना जो ट्रेडिशन है उसको नहीं भूलना चाहिए, है ना। ये आप तो बहुत अच्छा बजा रहे हो, हैं क्या नाम है आपका? तरुण ठाकुर, बजाओ फिर से, हमें तो आता ही नहीं है। ओहो इतना सा बच्चा और इतना ज्यादा दम, वाह ये 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 जय श्री कृष्णा जी। श्री कृष्णा जी, मम्मी गेस्टों का स्वागत करते हुए भी हमारे जो ग्राम देवता है भगवान विष्णु जी, वो बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो उनके साथ जो भी श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए पहले चाय पानी और थोड़े से खान पान का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो बस यहाँ पर है नमकीन चाय और मीठी चाय जो कि बनाई है इन्होंने, देखिए नमकीन चाय, एक बार आप सब भी ऐसे कर दो हेलो जी। जब आपने मेरे लॉल के ब्लॉग देखे होंगे आपने वहाँ की नमकीन चाय, तो देखिए नमकीन चाय के स्पेशलिस्ट ये सारे इन सब ने बनाई है यहाँ पे नमकीन चाय और साथ में है मीठी चाय। चलते हैं अंदर की तरफ। One hour later.
फैमिली आप सभी भगवान विष्णु जी के दर्शन कर लीजिए। जय हो भगवान विष्णु, सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। जय भगवान विष्णु, जय भगवान विष्णु। हमारे जो ग्राम देवता है भगवान विष्णु, वो अपने स्थान पर विराजित हो चुके हैं और साथ में जो भी हमारे भगवान विष्णु हैं उनके साथ जो भी श्रद्धालु आए हैं उन सबके लिए अभी चाय पानी का बंदोबस्त किया था, जैसा आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो बस सभी को उनकी खातिरदारी की जा रही है। हमारे रुद्र बाबू है, माता रानी के बहुत ही ज्यादा भगत है, बहुत बहुत माता रानी के लिए इन्होंने बहुत सेवा की बेचारे। अच्छा, बहुत घूमे बेचारे को, बहुत घूमे। मैं तो चाहती हूँ भगवान माता रानी पर ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति की अगले जन्म में ऐसी भक्ति करते रहे। जय माता दी। अभी जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारे तीन है जो हमारे पानी निंदेंगे, तो मतलब वो मंदिर के चारों तरफ सूत्र भी फेरेंगे, तो बस ये उसी की तैयारी कर रहे हैं। और इनका काम बस ये आज पूरे दिन भर इसकी तैयारी करना और बस मंदिर में बैठना है। ये सोएंगे भी नहीं, ये अंदर जा ही नहीं सकते। तो ये जोर से बोलो, जय